अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, ईद के तीसरे रोज भी आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। भाई सबसे पहले तो द ह्यूजेस्ट शाउट आउट टू माय एंटायर टीम। रमजान के 30 दिन उन्होंने आप तक रमजान की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन पहुंचाई और ईद के 3 दिन लगातार अनथक मेहनत के बाद उन्होंने आप तक हमारी प्यारी ईद ट्रांसमिशन भी पहुंचाई, तो सबके लिए बहुत जोरदार तालियां। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को एंजॉय किया होगा। आपने जैसे रमजान ट्रांसमिशन को इतना ढेरों प्यार भेजा, मैं पुरउम्मीद हूं कि आप हमारी प्यारी ई ट्रांसमिशन को उतना ही प्यार जरूर भेजेंगे। आपसे इसी तरह मुलाकातें भी होती रहेंगी, प्यार भरी बातें भी होती रहेंगी, और जहां पे प्यार भरी बातों का जिक्र हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आज के अपने गेस्ट को अब आपसे ना मिलाऊं। इस पूरी ईद ट्रांसमिशन में हमने आपकी मुलाकात काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ कराई, मुझे बहुत मजा आया। पहले दिन, दूसरे दिन हमने इतना मज़ा किया, शुगर लगाया। आज भी हमें जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है वो बड़ी मज़ेदार शख्सियत के मालिक हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग हिरा तरीन एंड अनुषा वासी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हिरा, ईद मुबारक अनुषा, प्लीज हैव अ सीट। अरे, looking lovely both of you, thank I must you, say. Thank you. Nice yin yang happening, white. बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। आप खैर भी, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप लोग? खैरियत से? ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजर रही है। हाँ, पहला दिन क्या रूटीन चलती है आपकी यूजुअली? पहले दिन की रूटीन तो थोड़ी सी ऑफिशियली ईद वाली होती है, जिसमें यू नो लाइक थोड़ा सा जल्दी मना। ऑफिशियल ईद वाली और अनऑफिशियल ईद वाली, अनऑफिशियल वाली थर्ड डे वाली होती है जो अभी हो रहा है ना, वो थोड़ा सा हम अपीयरेंसेस और ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन पहले दिन जो होता है ना, वो फैमिली के साथ सुबह को जल्दी उठना और वो सारी चीजें करना, यू नो अली जो है ही गोस फॉर हिज प्रेयर्स, फिर वो वापस आते हैं, सो समथिंग हैज टू बी रेडी फॉर हिम। तो पहले तो मैं सोती रहती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो माशाल्लाह 10 साल हो गए, तो नाउ आई एम इनटू द जोन, मुझे क्या करना है। अनुषा, आपकी क्या चांद रात पे क्या करती हैं, पहले ये बताएं। चांद रात पे ज्यादातर एक्साइटमेंट ये होती है कि जो छोटे हैं घर में, मुझसे भी छोटे, उनकी बेसिकली ईद होती है, क्योंकि शॉपिंग जाना, उनकी मेहंदी लगवाना, तो मेरा चांद रात थोड़ा हेक्टिक होता है। अच्छा। हाँ, सिर्फ इसलिए cuz like I'm running around and doing things for my sister, brother, उनके बच्चे। आप वो ऑफिशियली सबको ले जाके मेहंदी लगवाना, चूड़ियां दिलाना, वो सारे काम कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्वेलरी रह गई अगर किसी की लास्ट मैचिंग ज्वेलरी आउटफिट के साथ। हाँ। किसी का जूता रह गया, ये भी होता ना भाई कि किसी का एक कोई चीज रह गई आउटफिट में, हमेशा रह जाते हैं जूते। क्यों रह जाते? इसकी क्या वजह होती? मैंने भी नोटिस किया जूते ही रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपने आउटफिट का नहीं पता होता तो आप जूते कैसे लेंगे? और आपको दर्जियों का भी नहीं पता होता, आपको दर्जियों का भी नहीं पता होता टाइम पे आपका जोड़ा सिल के देंगे या नहीं देंगे। हां, इफ यू आर गेटिंग योर ड्रेस फ्रॉम अ दर्जी, या बट अदरवाइज आजकल तो हम इतना नहीं एफर्ट करते, हम बस कुछ भी उठा लेते हैं। बिल्कुल, या फिर कोई ना कोई डिजाइनर भेज देते हैं कपड़े फॉर ईद के पोस्ट करना है तो। अच्छा, एक बात बताएं, अभी आई वुड अज्यूम कि एक्टर्स हैव इट अ बिट मोर डिफिकल्ट, बिकॉज़ आपका काम तो रमजान में भी चलता ही रहता है, बहुत सारे एक्टर्स बिजी भी होते हैं रमजान में भी, और फिर ऑब्वियसली एक वो भी होता है कि ईद शोज होते हैं वहाँ पे भी आपकी अपीयरेंसेस होती हैं, तो वो एक होता ना कि यार कुछ नहीं कर रहे ईद पे, घर पे बस बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं या नींद पूरी कर रहे हैं या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही ईद गुजार रहे हैं, ऐसा मौका आपको मिलता है या कम ही ऐसा होता है? आई थिंक जब तक ईद आ जाती है तो लाइक आई सेड थर्ड डे थोड़ा सा इस तरह का हो सकता है। थर्ड डे इज एक्चुअली लाइक योर फर्स्ट डे। हां, आई गेस। लेकिन फर्स्ट डे लाइक आई सेड फॉर मी आई कीप इट ऑफिशियल, लाइक ऑल फैमिली और सिर्फ इस तरह की चीजें जो प्रॉपर ईद वाली होती हैं वो पहले दिन पे हम लोग करते हैं। एंड यू अनुषा? So now, are you busy in Ramzan with work and everything, or do you like to take a break? Yeah, I like to take breaks, lekin wohi baat hai ki pura Ramzan break nahi mil pata, kahin kahin छोटे छोटे ब्रेक्स मिल जाते हैं जो कि हमेशा अच्छे ही होते हैं, बट जो लास्ट तो ईद से कोई इतनी सेलिब्रेशन हमारे यहाँ नहीं होती, बिकॉज़ मम पास्ड अवे 2 इयर्स अगो, सो लाइक 2 साल हमने
जी नहीं की ईद, लेकिन थर्ड डे सेकंड डे बहन के घर भाई के घर सलाम करने, मामू के घर डिनर होता है तो उसमें सब फैमिली से मिल लेते हैं, तो ईद फन होती है। यार मामूज बड़े क्रूशल हैं मेरे भी, क्योंकि हमारा जो एक ईद का डिनर होता है मेरे भी माशाल्लाह मामू के घर पे होता है वो एक बड़ा डिनर, और फिर मैं तो मामू से ईदी भी ले लेता हूँ अभी। अच्छा? मैं कहता हूँ बड़े वाले नोट जो दो है ना वो दे दें बस। हाँ, आप लोग लेते हैं ईदी अभी? डू यू गाइस इंसिस्ट अपने बड़ों से मामू से? कोई देता ही नहीं है अब हमें, नहीं देते। हाँ, बल्कि उल्टा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ईदी का। नहीं, बड़े बुजुर्गों से तो ले ही लेते हैं ना वो। नहीं, तो मेरी मेरी फैमिली में बड़े भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको। अच्छा? थोड़ा सा वो देयर प्लेफुल लाइक दैट यू नो, कि हमारी ईदी का है, मतलब हमें तो देने का सवाल ही नहीं है। अब तो हम छोटों को, अपने कजन्स को, सबको देते हैं। जो बड़े बड़े कजन्स भी हैं उनको भी देते हैं। उनको भी आपको देने पड़ते हैं? अरे यार, आपका क्या सीन है? ईदी आपको मिलती है कहीं से? ईदी मिलती है शमून भाई से, मिलती है जुबैर बाजी से, मिलती है। अच्छा, उनसे अभी तक मिलती है? हाँ, उनके फिर आपको आगे ट्रांसफर करनी होती होगी। हाँ बिल्कुल, उनके स्पाउसेस जो उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ, मतलब उनसे मिलती है। और फिर कभी ये इंसिस्ट नहीं किया कि इतने चाहिए या उतने चाहिए, बस जितने भी होते हैं उसमें हम। अरे कितनी कितनी सादतमंद है माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपका नफा ज्यादा होता है नुकसान ज्यादा होता है? क्योंकि ईदी आ रही है और जा रही है। आ रही है ना, बिल्कुल। तो जो आ रही है वही जा रही है या पल्ले से भी जा रही होती है? पल्ले से भी जा रही है और जो आ रही है वो भी जा रही है, क्योंकि छोटे ज्यादा होते हैं। और अब एहसास होता है बड़े होके कि ईद एक्चुअली तो यू नो छोटों की होती है, तो जो भी हमारी ईदी जमा होती है वो आगे चली जाती है। ठीक है, अब विद योर परमिशन हमारे दो और गेस्ट हैं जिनको मैं आपकी इजाजत से बुलाना चाहूंगा। okay. और वो दो गेस्ट बड़े जबरदस्त शख्सियतें हैं, दोनों ही दोनों चौधरी हैं। सबसे बड़ा जो एक मजे की बात है, मैं भी चौधरी हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो बड़ा जबरदस्त रंग जमने वाला है। बट आई हैव टू से दिस, एज फार एज सैटायर इज कंसर्न्ड एंड सैटायर इन पाकिस्तान इज कंसर्न्ड या मिमिक्री इज कंसर्न्ड, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में उनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट है। एंड नोबडी डज सैटायर लाइक दे डू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मुर्तजा एंड मुस्तफा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। प्लीज सर, प्लीज। हेलो, मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमें ये सबक देता है कि हमने बिल्कुल हर लिहाज से ठीक रहना है। सच बोलना है। सच बोलना है। सच बोलना है। तो आज जैसे ईद है। बिल्कुल। और शीर कोरमा खाया था आपने आज? शीर कोरमा खाया था आज आपने ना? शीर कोरमा। और बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। हाँ, बहुत। थैंक यू। हाँ, जितनी आप एक होते ना गर्म जोशी, ठंडी ठंडी जोशी से आप मिले, मुझे एहसास हुआ कि अब 3-4 घंटे पीछे आप लोगों की हो गई है सारी बातें। रिपीट पे आप रिपीट पे आ चुके थे हम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से ऑन कैमरा आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क। मैं हमेशा जब से आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, मैं छोटा था तब, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आई हैव बीन एंजॉयिंग योर वर्क। आपकी एजिंग सबसे अलग हुई है। मेरी अलग, आप हमसे भी बड़े हो गए। मैं इतना आपके काम को एंजॉय करता हूं और इतना जबरदस्त आपका विट है और ह्यूमर। आई रियली हैव टू से आई एडमायर योर वर्क एंड इट्स सच एन ऑनर फॉर मी कि आज आप मेरे शो पे आए हैं। थैंक यू। आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं इन दोनों का काम? यस ऑफ कोर्स। आपको अंदाजा है कि कितनी खतरनाक किस्म की ये चैलेंजेस से गुजरे? ये मुझे नहीं अंदाजा। बहुत 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 इनके हमने तो काफी से, साथ भी काम किया है, इनकी वजह से काफी लोग चैलेंजेस से गुजरे। ये बात तो तय है। हमारे पास शफात भी आए थे। अच्छा। ईद के दूसरे रोज उनसे भी मुलाकात हुई, गप लगी और वो बताए थे। मैंने कहा यार क्या आपको सबसे मुश्किल चीज क्या? उन्होंने कहा ये कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। घर तक पहुंचाने की भी बात हुई। और आपको भी आई हैव टू आई मीन आस्क, सबसे खतरनाक मैसेज या थ्रेटनिंग कॉल किसकी तरफ से आई? हमारी तरफ से गई है वो। आपकी तरफ से? ऐसा बहुत दफा हुआ और शुरू में तो आई रिमेम्बर जिस किस्म की हमने हरकतें की हैं, दोबारा कोर्ट हरकतें क्या मतलब मतलब हरकतें मतलब जिस तरह के शो किए उस वक्त डर नहीं लगता था। कुछ ऐसे वर्ड थे ना ये बोलते मुझे लगता है बुरा काम कर रहे थे। बाय द टाइम एक दो दफा कुछ लोगों ने फॉलो किया तो पहले तो बड़ा नॉर्मल लगता था, पर एक दो दफा ऐसा लगा कि बड़ी खतरनाक चीज। और वो ऐसे लोग थे कि शुक्र है कि फॉलो ही किया सर। तो बकायदा डर लगा कभी आप लोगों को? बकायदा डर लगा सर। बकायदा प्रटेंड ऐसा किया कि नहीं डरे, लेकिन अंदर से तो भाई बहुत डरते हैं असल में। मैं तो फिर भी जब इसने मुझे बताया तो मैं इतना डर गया यहां से कॉल करके आया। तो लेकिन बात ये कि डरना चाहिए, उनसे थोड़े कम डरे हम। बाकी जो हमारे और लोग हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले, उनसे थोड़ा ज्यादा डर लगता है, ज्यादा सेंसिटिव लोग। अच्छा, रमजान का जो सबसे बड़ा एक मैसेज है वो है
टॉलरेंस का या सबर का, पेशेंस का, वो इफ्तार से पहले बहुत लड़ रहे होते हैं। बट आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब हमारे कौम में से सबर कम होता जा रहा है, कम हो गया है, या पहले भी बेसब्रे थे? एंड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू गाइस हैव बीन क्रिएटिंग, उस लिहाज से भी अब टॉलरेंस और मजीद कम? बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं वही कह रहा हूँ कि जिस किस्म के हमने शोज किए हैं और वो यूट्यूब पे भी हैं, पहले तो निकल जाते थे, निकल जाते थे, और अब ऐसी बात है कि आज कोई भी इस तरह की बात करने से डबल डर लगता है। उसमें चाहे आप लिबरल साइड को देख लें, वो भी उतनी एक्सट्रीम पे है, या हमारी जो दूसरी साइड है जिनसे डरते ही हैं, वो भी उसी एक्सट्रीम पे है। तो आज के दिन कोई भी बात करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और स्पेशली डिजिटल मीडियम इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो आपकी वो बात कोट करेंगे, एक गलत जगह से काटेंगे और उसको प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाएंगे। तो अब खतरनाक बहुत हो गया, इस वजह से हमने कम करना शुरू कर दिया हरकतें। अच्छा, वैसे ओवरऑल बिहेवियर भी आप कौम का देखे ना, बड़ा फर्क हो गया। अब बाइक चलाने के बैठ के चलाने के लिए लेट के चला रहे हैं। और एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि मैं शहर फैसल जहाँ से शुरू होती है वहाँ से मैं लेट जाता हूँ। कहीं बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कि सो गए हो, वो किसी करवट पे आँख खुली हो? हाथ से वो घर भी लेटे लेटे पहुंच, हाथ से गेयर लगा रहे हैं, पैरों का इस्तेमाल ही नहीं है सर। बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल खत्म हो गया हमारे लोगों से, आपने देख ही लिया। अच्छा, ईद पे जो गेट टुगेदर्स, लंचेस और डिनर्स होते हैं, आपके घरों पर किस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं? क्योंकि यूजुअली गालियां इधर उधर, एक दूसरे रिश्तेदार एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसे हो रहा होता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे घर जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी डिस्कशन शुरू होती है, भाई कि फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो आप लोगों के यहाँ किस तरह का माहौल होता है? आपस में ही डिस्कशन हो रही थी यार कपड़े बड़े अच्छे हैं, या क्या मतलब खानों के ऊपर बात हो रही होती है? हाँ, मतलब पॉलिटिक्स पे यूजुअली डिस्कशन हो रही होती है, बट ऑन ईद थोड़ी अलग तरह की बातें होती हैं। अच्छा, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। इवेंचुअली वो पॉलिटिक्स नॉन पॉलिटिकल बातें होती हैं आपकी? बिल्कुल। आपका हाँ क्या सीन होता है? शुरू थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। अच्छा, पॉजिटिव? यू नो, ईद है आज, थोड़ा सा एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं, अच्छी लग रही हो, कौन सा शो पे आ रही हो, कोई है ईद का शो, कोई रिकॉर्डिंग हुई है तुम्हारी? तो हाँ, नहीं इस दफा नहीं किया। फिर इवेंचुअली फिर पॉलिटिक्स पे, फिर वो टीवी चलता है, फिर एक दो या तो खाने के तो... बाद मैंने देखा कि खाने के बाद जो टाइम है ना वो सियासत की, देखें सियासत शुरू ही खाने के बाद होती है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या बाहर हो घरों में। अच्छा, तो आपके साथ क्या होता है आप लोग जब ईद की कोई दावतें होती हैं? ये बड़ा उल्टा हो गया है। हाँ। लोग ना पता नहीं हर बात हमसे सियासी ही करते हैं, तो वो खाने से पहले भी है तो खाने की बात है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। और आके अब तो बीच में थोड़ा ये होता था कि समझाने की कोशिश करते थे, जो अपना थोड़ा बहुत इसके बारे में सेंस है वो बताने की कोशिश करते थे। बट फिर एक ऐसा दौर आया 2018 के बाद कि लोगों ने समझना छोड़ दिया, और अब हम भी उनके साथ मिल जाते हैं, और लोगों को हमसे जो परेशानी है या शिकायत है, स्पेशली रिश्तेदार या जो ओवरसीज मोस्टली, कि आप हमारे लीडर के बारे में बहुत इस तरह की बातें बोलते हैं और उसके खिलाफ हैं संभव। अच्छा, आप लोग टीवी बड़ा मुख्तलिफ नौयत का कंटेंट क्रिएट करते आ रहे हैं, जो कि टेलीविज़न की अगर देखा जाए नज़रिए से तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होता, ना होने के बराबर। Right. आप लोग ऑफ कोर्स टिपिकली ट्रेडिशनल, एक जो ड्रामा ऑडियंस है हमारी, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आई एम श्योर यू गाइस अंडरस्टैंड कि ड्रामा की बहुत वसी ऑडियंस है। हाउ हैप्पी आर यू विद द काइंड ऑफ ड्रामाज एंड द कंटेंट दैट इज बीइंग मेड ऑन टेलीविजन? आर यू हैप्पी? वेरी। I am. It looks like it. But she would be very happy. Inka drama to blockbuster hit hai, mashallah. Ishq Murshid trend bhi kar raha hai. Ratings ke etebar se bhi is one of the biggest hits in recent. Aur hairat ho rahi hai ki aaj aap drama ki tareef kar rahe hain. Ha. Dekhiye mujhe kaise, you know, wo karwani padi. Maine sirf ye facts bayan kiye hain, wo hai to sahi sabse popular. Jaise hum shastan ko humse nafrat hai, drama walon ko aapse badi nafrat hai. Bade bade log pyar bhi karte hain. But on a serious note, I am pretty happy because dekhiye har drama to acha ho hi nahi sakta na har film अच्छी हो सकती है, कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, नॉट एवरी फिल्म इज़ गुड, नॉट एवरी टेलीविजन प्रोजेक्ट। मैं तो खुश हूँ कि काम इधर हो रहा है और कोई अजीब से बैंस और सेंसरशिप, यू नो, का सामना हमें नहीं करना पड़ा, सो आई एम हैप्पी दैट आई ग्लास इज हाफ फुल। इट्स हाफ फुल, या फॉर श्योर ग्लास इज इनका हाफ ग्लास। इट हैज़ टू बी, अदरवाइज मैं पाकिस्तान में सर्वाइव ही नहीं कर सकती अगर मैं उस तरह से सोचना शुरू हो जाऊँ। Then I think I'm just going to be putting myself through a lot. और चीजें तो बदलेंगी नहीं, you know. So I think one has to look at things in a positive way. कि अच्छी चीजें क्या हो रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा focus. How are you enjoying the success of Ishq Murshid? चलें ये तो बताएं जरा थोड़ा सा. यार हसन, honestly मुझे
not trying to be humble, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना कुछ उसके अंदर किया, but you know, I am enjoying the success because वो collectively बहुत सारे लोगों ने उसकी जो असल heavy lifting है, चाहे वो title song हो या you know Farooq Rin साहब, दादा and Bilal and Dure, you know they had majority of the work and we had a phenomenal cast. तो उसके अंदर मेरा भी I'm you know very grateful. To Allah Mia that my character also kind of you know was very at the end it was impactful so I'm very happy about that. Halanki mera kaam itna zyada nahi tha isme, lekin wo jab samne aaya to I'm just happy that people are noticing and I'm getting a lot of traction. Aapke character ko leke to badi theories bhi chal rahi hain ki pata nahi kya hoga aur kya. Yes yes yes, bahut sari memes ban rahi hain aur yeah. Anusha, how happy are you with the kind of roles that you're getting? Satisfied hain aap? Good question. Next question. Good question. Next question. Khawateen Hazrat, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे अनुषे से सवाल का जवाब लें. Don't go anywhere. We'll be right back after a very short break. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अच्छा चौधरी बरादरान, आपसे जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे हम अभी कंटेंट डिस्कस कर रहे थे, ये इंफोटेनमेंट का जो एक आइडिया है हमारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, वो अब एक तो ख़त्म ही होता जा रहा है, इसकी क्या वजह? एक टाइम पे आप लोग जैसे डेयरिंग शोज होते थे और भी मजीद फिल्म पेज थ्री टाइप कॉन्टेंट होता था, डिस्कस होता था, क्या वजह है कि टी वी चैनल्स अब या तो सिर्फ ड्रामों की तरफ फोकस्ड हैं या फिर आपके जो पॉलिटिकल शोज हैं, हार्ड कोर न्यूज़ शोज, वही चलते हैं? वैसे ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और उसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ें बैलेंस्ड भी थी, यू आर राइट. और अब कंटेंट ज़्यादा डाल, मुझे लगता है कि वैसे अब लोगों को ना वो उस तरह के कंटेंट से थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया. किन लोगों को? चैनल्स को, ऑडियंस को? नहीं, जो हमने रेटिंग पावर्स दैट बी का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना हमारे मुल्क में, उसने बहुत सारा कॉन्टेंट ख़राब भी किया है और कुछ घरों की बुनियाद पर, वो मीटर सिस्टम की बुनियाद पर ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाई गई कि अब वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया. वो उनके लिए एंटरटेनमेंट का मकसद अब सिर्फ ड्रामा रह गया या हार्ड या फिर हार्ड कोर एक तरफ पॉलिटिकल शो है और एंटरटेनमेंट है. तो वो बीच में जो एक ब्रिजिंग थी जिसकी वजह से लोग यू नो थ्रू द सैटायर या ऐसी चीज़ें वो सोचने समझने के काबिल होते थे. एक तो हार्ड कोर हिटिंग चीज़ है, आप उसे समझ नहीं सकते, आपको बीच में ऐसा लाइटर कॉन्टेंट चाहिए जिससे आप ऑडियंस को समझा सके. बहुत सारे ऐसे इशूज़ जिसमें आप हार्ड कोर बात नहीं कर सकते. तो वो ख़त्म होने की वजह से ही ये वाला कल्चर डेवलप हुआ है कि अब वो गाली हो गया है. अब वो मजाक भी, जोक्स भी देखें या तो वो बिलो द बेल्ट या गंदगी की तरफ चले गए जो हम स्टैंड अप कॉमेडी से कहते हैं, या फिर वो गाली डायरेक्ट हो गया. अब सियासतदान इतना गाली दे देता है कि आपका हमारी जरूरत ही खत्म हो गई. बल्कि अब तो इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तो मतलब गालियां ही गालियां, गालियां ही गालियां. अभी तो ये प्लेटफॉर्म आपने सबके लिए खोल दिया है. यू आर राइट. द ट्रोलिंग दैट आई एम श्योर यू गाइस हैव आल्सो फेस्ड. बल्कि मैंने तो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे शुरू में लगा जब ये ट्विटर बना है, मैं समझा शायद ये कोई ऐसा फोरम है कि इस पे गालियां देनी है. मैंने भी दी पूरा ये ना पार्ट बंद कर दे तो मैंने भी दी. फिर मुझे किसी ने समझाया कि नहीं भाई गालियां. अच्छा, एवरीबॉडी इज ऑलवेज अपसेट ऑन ट्विटर. या ट्विटर पे तो वो नाराज ही रहते हैं हर वक्त, और स्पेशली हिम. बट यू सी, एक तो है ना कि सब ट्विटर भी है, तो जो पॉलिटिक्स वाला है वो तो है ही ऐसा, बट इवन जो ड्रामो वाला सब ट्विटर भी गाली है, उसमें भी देयर ऑलवेज अपसेट. अच्छा, देयर अपसेट विद शायरी वाला भी है. वो भी मेरे ख्याल में वो एक्टिव होता है कोई रात के 3:30 बजे के मेरे ख्याल में, रेडियो शो खत्म करके वहां पे वो शुरू हो जाता. बट व्हेन यू यूज्ड टू टेक योर कॉन्सेप्ट टू अ टीवी चैनल, उस वक्त क्या हालात थे? वो कहते थे ठीक है, ओके करो बेटा? नहीं, ऐसा नहीं था ऑनेस्टली. उसकी रीज़न बन गया कोई एक ऐसा जिसकी वजह से हमें करना पड़ा, क्योंकि वैसे हमारा बैकग्राउंड प्रोडक्शन का है, तो उसमें कोई चीज़ हमने प्रॉमिस की थी, इसी तरह ईद का शो था. अच्छा, तो वो नहीं हो सका, तो उसके बदले में हमने कुछ तो डालना है चैनल की, वो जो एक पूरी सिस्टम होता है, तो वो हमने एक अभी तुक्के में शो बनाया है, वो तुक्के में हिट हो गया और वो सब कुछ एक तुक्का ही था. टू बी ऑनेस्ट, तुक्के पे हो गया, तुक्के पे हो गया. तो उस वक्त ये ज़रूर था कि लोग यूनिक चीज़ें करते थे, बड़ी नई चीजें करते थे. अब तो हर चीज में आपने या तो वासे चौधरी को फिट करना है या अहमद अली भट्ट को फिट करना है. तो उस वक्त जो है ना लोग हमारे दोस्त नहीं, लाइक यू, लाइक आप देखे ना, आपने अपनी आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू आपको टीवी पे आना आसान हुआ फॉर सम रीजन, क्योंकि आप सोशल मीडिया बड़ा सम रीजन उस वक्त जो नहीं था ऐसा कुछ,
तो वो बड़ा मसला था उसमें, आप जिसको जानते हैं उसी को ही आप करते थे, तो उस वक्त किसी भी चीज को सेल करना एज ही सेड इट वाज रियली डिफिकल्ट, बट लोग बेहतर थे, थोड़ा ओपन माइंडेड थे, नई चीजें करना चाहते थे. बट स्टिल यू मैनेज टू सेल ऑन दोस प्रोग्राम्स, ये बड़ी बात है. किसी को तो अप्रिसिएशन जाती है उस चीज की. अब आसानी हो गई, अगर आप में अंदर ऐसी कोई चीज है तो आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है यार, और वो देखता भी उस तरह कम हो गया. आपके पास डिजिटल मीडियम है, यू कैन डू इट एंड बेटर डू इट. अच्छा, एक्टर्स हैव दिस एडेड प्रेशर नाउ ऑफ keeping their profiles active on social media. Yeah. भाई ये, are you guys feeling that pressure कि यार Instagram पे इतने followers होने चाहिए, इतना posting करनी चाहिए, ईद के ऊपर एक तस्वीर तो लगानी है भाई. For sure. नहीं आए तो वो तो अब तो लोग पूछना शुरू हो जाते हैं भाई, क्या especially अगर couple photo ना आए मियाँ के साथ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. I mean pressure तो नहीं, अब तो आदत सी है. अब तो आदत सी है ऐसे जीने में. I mean it's just part of the game now. और यू नो इट्स जस्ट, मैंने नोटिस किया वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब से आई काइंड ऑफ बिकेम एंटी एंगेजमेंट, मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया कि पहाड़ में जाए मुझे नहीं कंटेंट बनाना जिस किस्म का लोगों को मुझे पता है पसंद. फॉर एग्जांपल, जब भी मैं अपनी बेटी के साथ कोई कंटेंट बनाती हूँ, आई नो फॉर श्योर इट्स कना डू रियली वेल, इट्स कना गेट एवरीथिंग, आई माइट गेट सम ब्रांड ऑफर्स और ये सारी चीज़ें. लेकिन मैंने कॉन्शियसली एफर्ट किया है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी जब तक वो ऑर्गेनिकली मुझे नहीं फील हो कि मुझे वो करना चाहिए. आई एम नॉट गोना डू दैट. और जब से मैंने ये करना शुरू किया कि मैं कोई दो दो हफ्ते पोस्ट नहीं करती हूँ, ऑल ऑफ अ सडन maybe it has something to do with Ishq Murshid. All of a sudden my followers are going up, I'm getting more likes, I'm getting more comments. To thoda bahut, I think there koi formula nahi hai, aur jo log pressure mein aa jate hain they shouldn't. Because at the end of the day I think authenticity will always trump, you know, logon ko fake cheezein bhi nazar aa jati hain. Anusha, do you take social media seriously, or how seriously do you take it? Not too seriously, because then I have an other platforms to show my skill and show my talent. And I've been doing that for a while. So I feel like new influencers are like really like taking pressure of showing their day-to-day life. And you know, I woke up and then I gave my kid a shower and I did that and I did this. Lunch idhar kiya, dinner idhar kiya. Yeah, and they have to make efforts to actually show what they're doing. For us, I feel like whoever is coming on TV, they don't have to show their daily life. And it's just, I feel like cringe hai thoda hamare liye. क्योंकि हमारे पास बिगर प्लेटफॉर्म है ना, फोन से बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हमें जरूरत नहीं है और ना ही पढ़नी चाहिए इसकी जरूरत. लेकिन एक चीज की जो जरूरत है स्पेशली ईद शो पे, वो के थोड़ा सा मौसीकी. नहीं, मेरा नहीं ख्याल के मुझे कहा जाए पता है ना, मेरे पास एक बंदा आया, कहता है यार मैं आपको देखता हूँ यार, मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ. मैंने कहा ठीक है. अब उस बेचारे का मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, कह रहे ऐसा करे आप खींच ले अपने फोन से, सोनी चिकने को टैग कर दीजिएगा. ये भी हो गया. नहीं, वैसे अभी हीरा ने जो बात की ना, मैं बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ. और अगर आप इनका पोर्टफोलियो प्रोफाइल देखें, फटे तो बड़ा डिसेंट किस्म का. ये जो बात कह रही है ना कि अब वो, अब लोगों ने उसको वो जो बच्चे से लेके बूढ़े माँ मरना कबर वो सब कैश कराना शुरू कर दिया. एक बंदे ने दादी की डेथ में सेल्फी डाली हो रही है. अच्छा अच्छा, मैंने तो ये भी देखा. अब माशाल्लाह जो लोग उमरा करने जा रहे हैं, वो उमरा करने आप गए तो मुझे अक्सर महसूस होता है यार आप बड़े इतनी बड़ी जगह पे मौजूद है, दो चार मिनट दुआ मांग लें जिस काम मकसद के लिए. वो दुआ मेरे ख्याल में साथ गई होंगी आप, फिर उसकी बात अल्लाह से दुआ की बात. वो हर तवाफ में भी साथ साथ अपना कर रहे हैं. बट एनीवे, आपकी इजाजत. ये तो देखिए मॉडर्न डे चीज है, इसको मैं कबूल भी कर लेता हूं. हां, मे बी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. मे बी वी आर टू. और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी काम ही है ना. सो लाइक आई मीन यू गाइस ड्रामा रिव्यूज एंड यू गाइस हैव टू पुट अप कंटेंट. वो बड़ा मजे की चीज है. हर दो तीन दिन के बाद आपको करना पड़ता है. आपने जो रिव्यू के नाम पे बदमाशी की, क्या आप बहुत शरीफ लोग हैं. रिव्यू के नाम पे बदमाशी, कतन नहीं, बदमाशी कतन नहीं, कतन नहीं. बट मैं आपकी इजाजत से बुलाना चाहूंगा नताशा को. नताशा में कुछ मौसीकी, कुछ दो बोल अगर सुनाए तो. ख्वातिनों रात, प्लीज वेलकम कीजिए नताशा बेक को. कहाँ से अरे वाह. तुझसे लड़ गए, तुझे देख के मैं भागू भागू रे तुझसे लड़ गए. तूने मुझको देखा, मेरा हाथ थामा, हाथ में छुड़ा के भागी रे.
दुनिया मुझको देखे बातें ये बनाए कैसे थामू तेरा हाथ वे मैं भागू रे भागू रे भागू रे भागू दुनिया से भागू मैं भागू रे भागू रे भागू रे भागू दुनिया से भागू मुझे पता नहीं है गाना था मैं फॉरेन गाना शुरू पाकिस्तान ईद मुबारक आप बहुत नहीं प्लीज नताशा प्लीज जॉइन अस हैव अ सीट थैंक यू क्या जबरदस्त गाय सो गुड थैंक यू बहुत बहुत ईद मुबारक आप सब ऑल द वे फ्रॉम बेजिंग नी हाउ नताशा कैसी हैं आप खैरियत से ठीक ठाक बहुत ठीक ठाक आप सबको देख के और अच्छा लग रहा है मुझे मैं बड़ी एनर्जेटिक हो गई थैंक यू आप आई हमारे शो पे ईद कैसी गुजरी आपकी बहुत अच्छी मुझे तो ईद का हम सबको इंतजार होता है एक हॉलीडे होता है हमारे लिए फैमिली के साथ स्पेंड करना और बहुत सारा खाना खाना दिल हुआ तो तैयार भी हो जाते हैं सोशल मीडिया के लिए यू नो अब तो तैयार सोशल मीडिया के लिए वाकई में हॉलीडे होता है आप तो जाती होंगे तो सब कहते होंगे रात को गए अब दो बोल हो जाएं अब ये गाना हो जाए नहीं नहीं शुक्र है यार घर की दाल बराबर वाला सीन है शुक्र है महफिल नहीं जमती रात को मुझे लगता है मैं स्टेज के अलावा या स्टूडियो के अलावा मैं भूल जाती हूँ कि मैं सिंगर हूँ क्योंकि मैं हर जगह नहीं गाती nice. मैं भूल जाती हूँ तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है बड़ी अच्छी बात है ये तो ईद तो की सबसे आपकी यादगार या फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है अच्छा बचपन की बहुत सारी है अब हाँ। अब उस तरह से ईद नहीं मनाते हम जो बचपन में बड़ी एक एनर्जेटिक हमारी लाइफ होती थी कि बस ईदी पे नजर होती थी कि बस पैसे मिल जाए और दुकान से जाके चीज खरीदो तो यही होता था तो बस मेरी नजर उसी पे होती थी कि पूरा साल जो अम्मी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रही जो टोकती रहती हैं तो हम अपने पैसों से करते थे वो और फिर तैयार होना शॉपिंग करना चूड़ियाँ लेना जैसे उस टाइम पे बचपन में बड़ा होता था कि मेरे जूते रह गए मेरी चूड़ियाँ रह गई अब तो होता है कपड़े नहीं है कोई बात नहीं यार बड़े मैं पहन लूंगी तो बचपन वाला एनर्जेटिक अच्छा मेरा बचपन से ही रहा है कि चूड़ियाँ नहीं है कोई बात नहीं पहनूंगा आपको ये फर्क पड़ता है आप बताओगे नहीं अजीब बात है ये तो अच्छा ये एक बात अक्सर जो यार वो टाइम और थे यार वो जमाने का गिलास मिल रहा था आपको लगता है कि ईद में फर्क आने में लस्सी फर्क आया वो इतने फर्क आया जितने हमारी उम्रों में आ गया लेकिन फर्क आया है फर्क आया है बहुत फर्क आया है मतलब वो मुझे नहीं पहले जिस तरीके से फंटा पीते थे ईद वाले दिन क्या क्या फंटा नहीं वो अलग है नो थी वो नो थी ईद के दिन आप फंटा नहीं पिएंगे नो बोल हर कोई पी रहा होता था नहीं फर्क आया बस पहले कहते थे और अब हम यही बात कहते हैं कि हमारा जमाना बड़ा अच्छा था वही टाइम है शायद आई थिंक हम लोग हमेशा पास्ट में रहते हैं इस चीज को भी हम 10 साल बाद याद करेंगे कि यार वो टाइम अच्छा था ये वही वाली बात है कि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं वो हम डिस्कस कर रहे थे ना 90s में अर्ली 90s में तो वो 10 रुपए की दत्ती में से ईदियां मिलती थी ना 10-10 के नोट 5-5 रुपए के नोट मिलते थे अब तो बहुत रेट हाई हो गया भाई अब तो 10-10 रुपए में इतना कुछ आ जाता था अब तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लाइक कर देना लेकिन बंदों की ये कंफ्यूजन है जो कभी खत्म नहीं होगी क्या ईद की नमाज में अब कौन से रुको में जा रहा है वो हमेशा दूसरे को देखना वो वैसी है तकरीबन वैसे ही है वो चीज बड़े बड़े साल में दो ईदें होने के बावजूद अभी तक बहुत सारे बुजुर्गों ने मैंने देखा वो नहीं सीखे और वो यूजुअली बुजुर्ग ही होते हैं हम भी धोखा खा रहे हैं अभी बुजुर्ग को फॉलो नहीं करते अच्छा ईद के ऊपर आप लोगों पे भी प्रेशर होता है कि भाई सेल्फी लगानी है तस्वीर लगानी है कोई कभी आपने ये लिया ही नहीं इस तरह का प्रेशर ट्विटर पे हम लोग ज्यादा एक्टिव है क्योंकि हमारा मीडियम उधर ज्यादा है वहाँ ज्यादा सियासी बात होती है उस पे हैं बट तस्वीरें वाला मामला नहीं है ट्विटर की टॉक्सिसिटी को कैसे बर्दाश्त करते हैं बस मैं तो आधा घंटा आप रिप्लाई ना देखें उसमें अपनी बात नंबर वन है कि आपने जो लिख दिया उसके नीचे मत देखिएगा क्योंकि बहुत गालियां पड़ी लेकिन नहीं तो मैं गालियां पड़ती हैं आप देखते क्योंकि मैं जवाब में मुझे भी गाली देनी होती है तो हम लोगों को देखना पड़ता है तो रूल ये है कि ना देखो मेरे साथ एक दफा एक शफात को एक बंदा जो है ना वो बहुत तंग कर रहा था वो फिर मैंने उसको इनबॉक्स पे जाके समझाया कि ऐसा नहीं करो इनबॉक्स में चले गया आपको ये नहीं हुआ भाई स्क्रीनशॉट ले लेके लगाया उसने मेरे तो बहुत लगे इनको कोई फर्क नहीं लेकिन एआई इतना फैल चुका है एआई पे इल्जाम लगा सकते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ा डेयरिंग डेयरिंग शख्सियत के मारे बहुत बहुत डेयरिंग अच्छा मिमिक्री में आपको कौन सा ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप बहुत एंजॉय करते हैं आप सही वेल बड़ा अच्छा सा नहीं नॉर्मल है सारे नॉर्मल सब नॉर्मल कोई ऐसा नहीं कोई कि जो आप ज्यादा एंजॉय करते हो भाई ये तो बहुत मजा अभी आखिरी हमने वो किया है अपना क्या नाम है उनका मरवत साहब जो है अच्छा शेर अफजल शेर अफजल का
वो अच्छा हुआ है क्योंकि हमने डिफरेंट है, नया कैरेक्टर है पॉलिटिक्स में। आपको आज तक कोई भी कैरेक्टर पकड़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई होगी? यार ये मिमिक्री बहुत मुश्किल है इस बंदे की, क्या आ जाती है? ऐसे काफी सारे थे, बट ये कि कोई एक चीज ऐसी होती है उससे आप पूरा पकड़ लें, बल्कि इवन उसकी पर्सनैलिटी पूरी सामने आ जाती है। हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू मिमिक, एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, जो आपको लगता है कि यार ये इसकी मिमिक्री बहुत मुश्किल है, शायद आपने अभी की भी नहीं है? शान भाई। अच्छा शान, उनका सिर्फ एक एक्सप्रेशन है आवाज में, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा, क्योंकि वो लाहौर में है भाई, तो वहीं अदनान सिद्दीकी बहुत इजी है क्योंकि एक्टिंग नहीं करनी। ये काट देना यार, आप सारी बात करते फिर आप कहते काट देना। नहीं, मैं भी उनके एक ड्रामे का प्रोमो देख रहा था, उसमें उन्होंने मुन्ना नाम रखा है मायूस सहित रहमती, मतलब एक तो उस लेवल का मुन्ना आ नहीं रहा, प्लस ये कि वो डायरेक्ट ही इंडियन, मतलब थोड़ा कोई हमारा कुछ कर लेते, उसमें गने भी यूं पकड़ी और बाल भी यूं किए, बस एक वो कराची की लैंग्वेज और हाँ कराची और वो इंडिया की बॉम्बे लैंग्वेज इज डिफरेंट। ए भाई तेरे को बोलने, इस तरह के हमारे ड्रामों में बड़े हो गए लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला। आप उन तेरे को बता ले रहा है कहाँ है ये, आपको मिला तो हमारा पता देना। अच्छा ईद पे ये फर्क है, देखें ये थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसको प्रमोट करें हमारे। एक फिल्म थी कोई पुरानी पाकिस्तानी, उसमें उन्होंने जो है वो इसराइल लड़ने के लिए जाना होता है, तो वो कहीं से जा रहे हैं तो वहाँ बिलबोर्ड लगा हुआ है, एरो बना हुआ है इसराइल। अच्छा कहाँ लगा भाई, कहाँ है? फातिनो साहब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, अब वाकई में वक्त हो गया, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। भाई अभी एक सेगमेंट आपके साथ खेलना है। आपके चश्मे पड़े हैं आगे। मेरे चश्मे नहीं है, ये आपके लिए निकाले हैं। अच्छा अच्छा, अभी आपके साथ एक बड़े मजे आपके चश्मे आप नहीं रखे। नहीं नहीं, आपके साथ बड़े मजे की गेम खेलनी है। भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? कुछ सवाल इनसे करूंगा, कुछ सवाल आपसे करूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। पहले लेडीज फर्स्ट करा कर देना, आज आज जेंट्स लेडीज पहले, नहीं ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि सवाल किस तरह के। पहला सवाल आपसे, डैश बहुत अटेंशन सीकर है, तकरीबन आधी पाकिस्तान की जो वो हीरो लड़के हैं ना, जो एक शक्ल के 800 आ रहे हैं और एक जैसे बाल हैं उनके, सब अटेंशन सीकर तकरीबन सारे। मैं ईद पर डैश लाजमी करता हूँ। वो तो करता है, ये तो सवाल नहीं है, तो जवाब है सर मैं नहीं करता कोई ऐसा काम। डैश डैश मैं ईद पर करते होंगे ना, सलाम लाजमी, सलाम सलाम लाजमी, सलाम। नाइस। मुझे डैश की एक्टिंग पसंद है लेकिन वो गाने ना गाए। मौसम अब्बास की बात कर रहे हो आप? मैं तो किसी की बात बात कर रहा हूं, मैं तो किसी की बात नहीं कर रहा। फरहान नहीं, फरहान की बात नहीं की, फरहान सईद नहीं, ना वो एक्टिंग अच्छी करता ना गाना, और कौन हो सकता है? आउच। आतिफ, आतिफ असलम है, अली जफर है। आतिफ तो बहुत, अली जफर की तो खैर मतलब वो अच्छा है, ठीक है, मगर ये है कि वो उससे जुड़ी हुई चीजें ठीक नहीं है। गौर भी गाते भी और एक्टिंग करते हैं। गौर 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 एक्टिंग में भी आ गए? अच्छा, उनकी एल्बम भी रिलीज हो रही है, पता नहीं चल रहा, एक्टिंग भी नहीं चल रही, अल्लाह खैर करे। ये आतिफ ने कोई जादू कराया है? अगर भी फिरोज डाल दो आप, आप 35 रुपए का फिरोज इसमें भी डाल दो, इस पीछे वाले। अगर आगे भी बढ़ना है तो मेहनत के साथ डैश भी जरूरी है। जुगाड़ की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसे नाम आ जाएगा जो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मायू भाई का नाम लेना, उनका नंबर होना जरूरी। ड्रामे वालों के पॉइंट। आप हुमायूं की पार्टी भी नहीं जाते? अच्छा ठीक है। अनुषे आपसे ये सवाल है, शोबिज में इस वक्त साइलेंट फ्लर्ट एक्टर डैश है, ही इज अ साइलेंट फ्लर्ट। डैश है, इन है। कौन है साइलेंट फ्लर्ट? ये साइलेंट फ्लर्ट है। इतना मुश्किल सवाल मुझसे किया, उनसे तो सारे आसान किए। उनसे क्या, उनसे किससे फ्लर्ट कर? यार आप शोएब मलिक का नाम ले लेना। साइलेंट मुस्तफा चौधरी की बात कर रहे हैं? जी वो तो आप ही बताएंगे। आप बताएं। ठीक है, आपसे सवाल है, मॉर्निंग शो में डैश सवाल से मुझे चिढ़ है। सारे बच्चों
और बच्चे कब पैदा करेंगे। अच्छा ये मॉर्निंग शो में पूछा गया आपसे बकायदा? जो कह रहे सर पूछा है और लोग कह रहे दिखाओ भी। मैं जाती नहीं हूँ। आपने जवाब क्या दिया था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? कौन सा वाला? इस सवाल का क्या जवाब? ये तो तब था, ये और बच्चे नहीं थे, बच्चे कब करेंगे जब शादी शुरू में हुई थी। ठीक है नताशा आपसे सवाल ये है, डैश बहुत जल्द दूसरी शादी कर लेगा, तीसरी नहीं है दूसरी है। ओह तीसरी नहीं है, खबरदार नाम नहीं लीजिएगा, वो बैठी हुई है। भाई हम हमारे भाई हैं। आपकी शादी हुई है? मेरी हुई है। बस आपका ही नाम ले लो। मेरा ले लो। प्लेइंग सेफ। बहुत आला यार, दिस इज रॉन्ग। मैं अगर कोई स्टेटस लगाऊं या पिक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहला लाइक फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री इस डैश शख्स का आता है, मुर्तजा का। यार सेफ खेल रहे हैं। अच्छा यार सेफ में चला दो, सेफ में कर लो, सेफ में कर लो, गुड गेम। बड़ा इजी जा रहे हैं भाई आप लोग। अच्छा जी, मर्दों में सबसे बड़ा गॉसिप किंग इस वक्त डैश है। बैठे में सामने तशरीफ फरमा, तशरीफ फरमा है। ठीक है, अरे गॉसिप मैं तो मुंह पे कहता हूँ भाई। मुंह पे भी कहते हैं। सेफ खेले, ये भी सेफ खेले, इनको ये बताओ। गुड वन भाई। नताशा ईदी सब दे देंगे लेकिन डैश 100 बहाने बनाएगा, ये अपनी इंडस्ट्री में से आपने बताना है किसी का नाम। अपनी इंडस्ट्री में से? हाँ, ईदी 100 बंदे ईदी दे देंगे लेकिन डैश जो है ना ये 100 बहाने बनाएगा भाई, ये नहीं ईदी देगा। यार मैं बताती हूँ। हाँ राहत फतेह अली खान। नहीं नहीं इंडस्ट्री से भी नहीं, एक से तो मेरा एक्चुअली अपना पर्सनल मजाक है इस ईदी के ऊपर, दीनो अली। अच्छा मर जाएगा जेब से पैसे नहीं निकले, जबरदस्ती निकालने पड़ते हैं। या ठीक है भाई, आप दोनों से एक सवाल में वापस लेना चाहूंगा, किसी को बुलाए ना बुलाए डैश को शादी में लाजमी बुलाए। नौशीन शाह। Nice. उनसे ही रिलेटेड कुछ हुआ था ना, ये नाम था ना। He's not safe anymore. अच्छा it's not. शादी डैश है, अगर भाग के की जाए तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, अच्छा शादी, शादी अच्छा एक्सपीरियंस। अरे वाह जबरदस्त, क्या वेल प्ले। अच्छा अब वो हमने जाना है वहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम वहाँ जाएं और आपने भी चलना है, आप दोनों को ये ब्लाइंड फुल पहनाना थोड़े है। जरूरी है, या पैड़ियां भी है? नहीं ये आंखों वाले, आंखों वाले, आंखों भाई वो है, है हथकड़ियां भी है। नहीं नहीं बस ये यही पहनना आपने। ईच शो है भाई, ईच शो पे ऐसी चीजें। अच्छा आए मैं आपको लेके, यार आप क्यों ही रह करो, अच्छे लगते हो आप। पहने पहने पहने, अब मैं पहना आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो ठेला है वहाँ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने बेचनी है। अच्छा इन खवातीन को आए जी, खवातीन आए आए आप बाजी छुड़ियां तो होंगी बाजी। अरे कहाँ आप देख रहे हैं? नहीं आप तो देख पा रहे हैं? नहीं नहीं देख रहा। आए आए आपने देखना कुछ नहीं, नहीं देख रहा। अच्छा जी अब हम एक ठेले पे आ गए। ओके और ठेले पे के आप लोगों ने जो चीज पे आपका हाथ जाएगा वो चीज आपने देखे बगैर बेचनी है। ओके चीटिंग नहीं करेगा यार, ये ठेला इधर है। हाँ ये ठेला है, ठेले में चीजें हैं। ठीक है चूड़ियां तो कंफर्म होगी, ईद का दिन है। ये पकड़े ये पकड़े ये बेचे आप, ये नहीं बेच सकते। ये क्या क्या बिकवा रहे हो यार? क्यों क्यों नहीं बेच सकते भाई, ट्राई तो करें। ये बहुत अच्छी चीज है। क्या चीज है ये? ये क्रीम है अनुषे आपके अगले बॉयफ्रेंड ताकि वो गोरा हो जाए। कितने की दी है ये? सिर्फ $10 क्योंकि भाई ना आपका ना हमारा ₹5 में एक कप मिल रहा है भजन। पीछे वाले भाई आइए प्लीज, आइए आप लोग, ₹5 का कप है ये आप गाड़ी में रख लें। ये किसको बेच रहे हैं आप? ये हिरा के लिए गाड़ी में रख लें और जैसे ही आपकी शूट खत्म हो फ्रिस्बी की तरह फेंकेगा। अच्छा इस पे भी ठीक है, कितने का दे रहे हैं आप ये? $5 $5 अच्छा भाई मैं कह रहा हूँ कि जब तक डॉलर नीचे नहीं आता आप रखो, जब याद हो तो पैसे दे देना जी। बस ये एक तो बिक गई, एक आइटम। आई लाइक दिस दुकानदार, मेरा एक आइटम तो बिक गया भाई। थैंक यू भाई। ये कोई भाई ले ले, भाई ले ले एक मिनट, ये मैं भाई जैसा ही हूँ। ये विक लग रही है मुझे, कुछ विक लग रही है, बहुत अच्छी विक है। कितने की दे रहे हैं ये? $3 ये अरे आप ये डॉलर में क्यों बेच? अरे विक छोड़ो बाजी, आप टोपी ट्राई करो ये। थैंक यू यार, ये तो बार बाजार की है, ये सारा मॉडल पहन रहा है। अच्छा ये रनिंग में है आइटम? रनिंग रनिंग में ये बेचिए आप। ये
परफ्यूम है शायद कोई, आप ये भेजें, आप ये भेजें परफ्यूम है, मैं नताशा के लिए क्योंकि जिम में मुझे अक्सर नजर आती हैं। तो मतलब मुझे परफ्यूम की जरूरत है? नहीं, परफ्यूम तेल की बोतल है, तेल की बोतल है, तेल की बोतल है, क्योंकि ये ईद का दिन है, आप परफ्यूम नहीं इतर लो आप भाई। तेल की बोतल है सर? हाँ तेल की बोतल। तुम्हारे सर को शदीद जरूरत है, इस किस्म के तुम्हारे गंदे बाल हैं, बल्कि ये तेल की बोतल है, आप रखो, आपको जरूरत पड़ती है। ये आइटम पकड़े आप, ये आइटम आप क्या पकड़ा है? Oh, wow, Mustafa has something really nice. ये तो कोई मुझे लग रहा है, बेल्ट भी नहीं लग रहा है ये, आप अब ये लेना, ये मुझे ये चाहिए, ये क्या Mustafa, ये पकड़ो आपके लिए, आपके लिए ये प्लास्टिक पकड़ो। आप बस दे रहे हैं ना सारी चीजें, ये किस किस्म के शॉपकीपर्स हैं? तो फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, पट्टी बांध के भेज आशा। ये मुझे क्यों? आप ये भी क्योंकि मैं जिम जाती हूँ। जिम के बाद तो आपने रेजिस्टेंस बैंड्स प्रोटीन शेक में डालना है। भाई आप तो आउट ऑफ बिजनेस बहुत जल्द जाने वाले हैं, क्योंकि आप तो दे रहे हैं। लंडे की टोपी आई है भाई जान, लंडे की कैदी नंबर 804 ने पहनी हुई है, ये पहनो आप लोग, कैदी नंबर 804 की टोपी जो दुनिया को कराई है। कितने की है? पूरे पाकिस्तान को ये टोपी कराई गई है, आप ले लो भाई। कितने की है? फ्री में दे रहे हैं? कितने की दे रहे हैं? अच्छा फ्री में, फ्री में क्योंकि उसने हमें फ्री में दी थी। ये किसी को अगर जरूरत है तो मैं अपनी तरफ से गिफ्ट कर दूं। थैंक यू। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सो मच मुर्तजा। दयालु दुकान, चश्मे आए भाईजान, बाहर से चश्मे आए, बड़े जबरदस्त हैं। आपको अपने दुश्मनों का पता चल जाएगा ये पहनते ही। आप पहनो ये, आए ले लो ये, समझ किसके दुश्मन ज्यादा है। I don't want to know. ये मेरा ख्याल है सवैया है, ईद सवैया है, सवैया तो नहीं है, ये लगाने के काम आती है, लगाने के काम आती है। छोटे दूसरा फेंक, दूसरा फेंक भाजी, ये आया, ये देखो आप, कुश्ता आया, एक बड़ा जबरदस्त कुश्ता है ये, आप ट्राई करो, कोई जिसको जिसको फिट उसको गिफ्ट। ये हसन को बेचना पड़ेगा, ये हसन को, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है? दवाई है, दवाई, ये मेरा ख्याल है दवाई है। एयरपोर्ट टाइप कोई चीज है। अच्छा ये कान में डालना है? अच्छा ये वो है जो हमारा हर एक्टर लगा के ड्रामो में आ रहा है, ताकि वो जो है वो अच्छा गुड लुकिंग लगे। अरे वाह, तालियां, जबरदस्त। अब आप अपने ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हैं। अच्छा बहुत अच्छा बेचा आप नताशा, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद है। अच्छा तो फोरम वाला फील आया, कोई नहीं सीढ़ियां चढ़ते। नताशा कोई अगर आप एक आइटम इसमें से चूज करें, जैसे चूड़ियां हो गई, चूड़ियों के मुनासिबत से अगर कोई दो लाइनें हो जाए कोई गाना। वाह वाह वाह, चूड़ियों पे कौन सा गाना? तेरी चूड़ियों के, क्या बात कर रहे हैं, चूड़ियां दे थल्ले बैग। इसके रिलेटेड आई मीन फेस्टिव हो सकता है, वरना मुझे लिरिक्स के बड़े मसले हैं, हालांकि मैं सिंगर हूं, अल्लाह माफ करे। आपका माइक 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 मेरा माइक मां टेबल पे मैं ले आती हूं। देखिए हमने ये दिया गिफ्ट, या बस एक है तो ये लेके जानी है। ये ले, ये कौन सी है? लैटिन के जपने पड़ी हुई है, ये आ जाए, मैंने कहा फेंक के मार देंगे। हां हां, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इधर आ जाए, आए प्लीज, आप नताशा को ज्वाइन करें, आ जाए। आहा, करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बढ़ावे, हम मनावे, मैं तेरे दर्द बढ़ावा। करिए प्यार दिया गल्ला, तू करिए प्यार दिया गल्ला, हो प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बटावे, हम मनावे, मैं तेरे दर्द मनावा। करिए प्यार दिया गल्ला, तू करिए प्यार दिया गल्ला, हो। अरे वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत ही जोरदार वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। We'll be back after a really short break. वाह। बालों
खवातीन हज़रात वेलकम बैक। इससे शेव नहीं मैंने कहा कोई बाल वाल काटने के काम। खवातीन हज़रात हम वापस आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम एक किचन में मौजूद हैं, और किचन में मौजूद होने का मकसद ये है मेरे प्यारे मेहमानों, पकाएंगे तो आप कुछ नहीं आप बनाएंगे। सर किचन में जाने से पहले मैं बता दूं, आप बताएं कि यहाँ बिल्ली के जितने चूहे हैं जो बिल्ली नहीं, यहाँ नहीं किचन में उमूमन होते हैं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, अगर यहाँ होंगे भी तो हम इंशाल्लाह बना लेंगे, कोई ऐसी बात इंशाल्लाह। अभी आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे आपने सैंडविच बनाने, सैंडविच बनाए, लड़कों की अलग टीम है लड़कियों की अलग टीम, हमें एक लेडीज चाहिए बॉस, आप ले लें, आप एक लेडीज करा, लेडीज मॉडल पराए नाम लेडीज मिली है, आप दो और आप तीन की एक टीम है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा जी। सैंडविच बनाते बनाते आप लोगों ने अपने दोस्तों के सीक्रेट्स रिवील करने। अच्छा ठीक है, और जो आपका भी आप कर देंगे वो गाड़ी में आप, मैं हाँ मेरे सौ बिस्मिल्लाह। और जो सबसे अच्छा सीक्रेट रिवील करेगा उसको ट्रेसमे की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अभी कर देता हूँ, परसों पकड़ा गया ये, परसों ये पकड़ा गया, नहीं सैंडविच बनाते बनाते चलें जी, सैंडविच बनाते हुए पकड़ा गया क्योंकि किसी के घर पे बना रहा था। चलें भाई आप लोगों का टाइम भी बनाना है और सीक्रेट भी रिवील कैसे करना है यार, अच्छा बनाइएगा okay? आप क्या आप लोग कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, घर वाले ना, घर वाले नहीं खड़े, पार्टिसिपेट आप लोग खड़े हो, खड़े हो जाओ, अच्छा एक साथ बनाना है। आपके इंडस्ट्री के सबसे अच्छे दोस्त कौन है, ये सहेली आपकी? कोई भी नहीं, कोई है ही नहीं। आपके हस्बैंड अली सफीना के बारे में एक सीक्रेट हमें बताएं। मुझे पता है वो बहुत नींद में चलते हैं, बहुत अच्छी चटनी, असल में चलते हैं, असल में चलते हैं, आई जस्ट किडिंग, आई जस्ट मेकिंग स्टफ अप, आई जस्ट रियली वांट द मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, मायो कितनी रखनी, उनका नाम इमरान अशरफ। अच्छा हाँ। वो नींद में चलते हैं और वो कई दफा पकड़े गए नींद में चलते हुए, नींद में चलते हुए पकड़े हाँ। और जहाँ पकड़े जाते हैं कहते हैं मैं तो नींद में हूँ। आपने मेरा आइडिया छुड़ा लिया। अच्छा नताशा आपके दोस्त के बारे में एक सीक्रेट, मेरे दोस्त के बारे में, किसके इंडस्ट्री के दिनों के बारे में, जैसे आपने बताया के दिनों को तो मैंने बता दिया, दिनों आपने बता दिया, ताबिश इज अ वेरी गुड फ्रेंड, ताबिश के बारे में, ताबिश हाशमी, ताबिश हाशमी के बारे में लोगों को पता है कि नहीं पता, गुस्से का बहुत तेज है, गुस्से का तेज है, बहुत तेज, अरे 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 गुस्से के तेज, ओ ये आपके सरफेस पे रहता है गुस्सा। एक दफा मजे की बात बताऊं आपको, बनाते बनाते ये फर्स्ट फ्लोर से कूदा है तो नीचे उन्हीं की गाड़ी पे कूद गया, किनकी, जिनका घर था। माशाल्लाह बहुत सुगर सेलिब्रिटीज आए हैं, सबने सैंडविचेस बना लिए हैं ऑलरेडी। अनुषा लेकिन खाने लायक एक के बारे में एक सीक्रेट, ओपन 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 के बारे में एक ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट ये है कि सैंडविच बनाते रहना साथ, सैंडविच बनता रहेगा, बन गए कि वो इफ्तार में सैंडविच नहीं खाते। शमून भाई के बारे में सीक्रेट बात क्या है? कमाल सीक्रेट बताया अनुषा ने, ये सीक्रेट है that he doesn't like sandwiches। जबरदस्त यार भाई, कितने सैंडविच बना रहे हो आप? ये हैदरी का बर्गर है भाई, ये आप लोग ये बना, आपका बन गया? हाँ, बन गया, बना दिया, मेरा तो कब का बना हुआ भाई, मैंने सीक्रेट बताया ओरिजिनल था। प्लीज कट कर दें, ये मेरे वाले सैंडविच, आई थिंक आई वांट, आपका आपके सैंडविच में कुछ डाला भी आपने? यस यस, बहुत बहुत कुछ है यार, दो बोटियां डाली, नो नो, आई थिंक दिस इज माय सैंडविच, आई थिंक द अवार्ड गोस टू मुस्तफा, जो प्लास्टिक का गोश दिया था आपने यार, मुस्तफा चौधरी के लिए था, सिंगल हैंडेडली उन्होंने मेरे सैंडविच को अपना कह रही थी, बिकॉज़ मैंने कह दिया भाई छुरी रख दे मेरे यार, अभी भी आप घर में बना रहे हो इस तरह का तो आप ये ख्याल रखिएगा के ये कौवे के गोश्त की बोटियां हैं, नहीं ये चिकन की भाई, मैंने खा के देखी, चिकन की, तालियां तालियां तालियां। अच्छा अब क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, जबरदस्त सैंडविचेस बनाए, तो मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपका मुंह मीठा कराऊं, बिल्कुल सही है, हमारे पास है वॉल्स की आइसक्रीम, वॉल्स की आइसक्रीम हमारे पास मौजूद है, हमारे पास दो फ्लेवर है फ्रिज में, हमारे पास दो फ्लेवर है, कल निकालेंगे आपको और आप बिल्कुल यूं नहीं। अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, तंदूर वाला यूं लगाता है रोटी, आगे बात करें ताकि कसम यूं कर रहे हैं आप, ये वॉल्स के नए फ्लेवर्स आए हैं, मैंगो चौंसा और किंग कुल्फा, इनको एक ही फ्लेवर्स पे यकीन है, क्या मैंगो उसका फ्लेवर नहीं, चौंसा, सॉरी चौंसा, अच्छा मैंने कहा आप पता ही गाली दे रहे हो, चौंसा 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 मैंगो और क्या कर रहे हो भाई, नाम तो सही रखो, ये जो वॉल्स के फ्लेवर्स हैं, ये नया प्रोडक्ट आया है, अच्छा है, प्रीमियर है, स्वीटर है, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा इसका, अरे मीठा है आप तो कहो भाई, सर है असली है ना, मतलब ईटेबल, मैंगो खाएंगे आप? मैंगो करा दो इसको, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेरी मदद वाला जो सीन है ना, मैं तो पक्का हूँ फ्लेवर में, मैं बड़ा
अच्छा मजे की बात किचन है, हाथ धोने की जगह नहीं है। नहीं है, वो हमने देखे अपने आप से साफ कर। हाथ धोने की भी जगह है। कौन सी छुरी यूज होगी इसमें? कौन सी? मैं साफ वाली। हमारे पास एक छुरी है, वो छुरी। उमूमन इस तरह की छुरी से कतल भी होते हैं बॉस। कल कौन लोग आए थे मेरी टीम के लड़के ने तीन सीक्रेट्स बता दिए। कल शफात है, उसका दांत पड़ा हुआ है। शफात का दांत। चले 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 चले। तीन सीक्रेट्स बताए हैं आपने सैंडविच बनाते हुए। एक तंदूर। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये छुरी वाला हो गया, वो बर्गर वाला हो गया, जीत गए हम। अच्छा अभी आपको क्या लगता है आपस में? भाई जान हमें तो ये लगता है कि आप यहाँ खड़े होकर पक्का सिगरेट पी रहे हो। नहीं यहाँ मैं पक्का पी रहा हूँ ना, कच्चा पी रहा हूँ। आप ये बताएं कि सीक्रेट सबसे अच्छा किसने रिवील किया आप लोगों के हिसाब से? स्कोर्स मैंने, आप देख लेंगे सही से। आपने एक भी सच्चा सीक्रेट नहीं? ये इसलिए कि ये बोनट पे कूदा था। मेरे हिसाब से सबने अच्छा किया, तो एवरीवन डिजर्व्स अ गिफ्ट। ये ईद एक एक पहले कॉल लेना चाहिए। अच्छा लेकिन देखे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारा पड़ोसी जान से आ गया। बेहतरीन बेहतरीन आपने भाई। आप अगर छुरी मुझे पकड़ा दे, छुरी आपको साफ करनी पड़ेगी, टिश्यू दे दीजिएगा। छुरी की खैर है, कितने दिन से बिल नहीं दिया गैस का? अच्छा चल रही चल रही। चौथा सीक्रेट रिवील कर दिया है मुस्तफा ने। व्हिच वन डू यू वांट सर? एनीवन? मैंगो। मैंगो थैंक यू। ऐसा खाने की भी हो रही है यार, वाह। हां अब नताशा और आप शेयर करेंगे? कोई बात नहीं, ठीक। वाह वाह, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, इट्स ओके। हाथ से खाने नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। यही टास्क की आपने, आप लोगों ने अपनी स्पून असल में अरे वो आपने सैंडविच में इंप्रोवाइज करना पड़ा थोड़ा सा। खूबसूरत घर है आपका, बहुत शुक्रिया। और ये वो वाला फील भी आ रहा है, लाहौर की शादी नहीं होती, अंदरून लाहौर, अंदरून कर लो आप। पहुंचे मुझे आपको पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे हाथ वहाँ से वो खराब हो चुके थे, चलते चलते जो ये कार्रवाई डाली है। अरे आप, आपको कौन रोक सकता है? उछल के मेरे कपड़ों पे आ जाएगी क्या? वाह वाह, खवातीन का भी इंतजार करेंगे, वो हमें ज्वाइन करें। मैं आपके लिए स्पून लाई हूँ। अरे यार ये है, आपने बिल्कुल नहीं खाया। मेहनत से मैंने आपके लिए आइसक्रीम बनाई, आपने खाया नहीं ना, चखा भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से महंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्तजा जो एंजॉय कर रहे हैं ना आइसक्रीम गेम, तो ये है भाई। वाह यार, आई डेयरी और आइसक्रीम नहीं, सॉरी प्लीज। यू मीन गए गए ईद डे 3, ईद का दिन हो और आइसक्रीम ना हो, मैं नहीं आती ईद को कभी भी। अच्छा हम जहाँ पे हेल्थ फिटनेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ब्यूटी इज आल्सो। अच्छा पसंद आई आपको आइसक्रीम? हमारे पास दो डब्बे, आप साथ लेके जाइए। नहीं आप हेल्थ और फिटनेस की बात, हेल्थ और फिटनेस की बात कर रहे हैं। आइसक्रीम हेल्थ और फिटनेस की बात, आइसक्रीम इज आल्सो। और ये पहला ईद का शो है जिसमें शीर खोरमे और छुआरे इस तरह की बातें की नहीं, हमने हम आइसक्रीम और मॉडर्न डे हेयर केयर की बात करेंगे। अब हेयर केयर से जुड़े दो सवाल है मेरे पास, अगर खवातीन बल्कि ये तो आपके लिए वैसे करना चाहिए ये सवाल। आई नो What is the most important ingredient in a face cream? ये face cream पे आ गए हम बालों से। ये तिब्बत नो। मैं आपको तीन option दूंगा, तीन option दूंगा। Texture, smell, या vitamin E3. Vitamin E. अरे वाह क्या बात। I also said that. क्या बात। क्या बात। क्या बात। अच्छा वाह साजिद वाह। Korean beauty में believe करते हैं लगता है। I do bro. अच्छा अगर आप लोगों का शूट देर से खत्म हो और आपने उसके बाद किसी इवेंट पे जाना हो, कोई मजीद कोई भाई मैं तो सुबह उठ के अपने घर जाता हूँ। सुबह घर मतलब नहीं, शूट के बाद उठ के। अच्छा शूट के बाद, शूट के बाद। तो ये अगर सैलून बंद हो तो आप लोग क्या करते हैं फिर? खुद करते हैं काम, खुद से कर लेते हैं आप लोग, लगा लो आप। मतलब लाइक इतना सालों से मेकअप करके बाल बना के तो आधी हो ही गए, वाकई में काम चला हो जाता है। तो अनुषा कितने अरसे से कर रही है मेकअप? कुर्बानी कर लेती है भाई, काफी अरसे से आया नहीं, ये तो कुर्बानी आ नहीं रहा, कर रही है यानी अंगूठे में वो फंसा गए जो। तो हमने आपकी ये मुश्किल थोड़ी सी और आसान करने की कोशिश की है। आज जो ट्रेसेमे के ये आपके साथ पैकेजेस जाएंगे, इनमें ऐसे शैम्पूज हैं जो कि आपकी फ्रिज को, बालों की उसको, उसमें आपको हेल्प करेंगे, आपकी शाइन को। आप नहीं लगाइएगा, मैं भी बोलने वाली थी, आप नहीं लगाइएगा मेरे लिए, आप की आइडिया नहीं, आपके लिए भी है। ये देखें हमारे पास चार पैकेजेस हैं और आप लोग पांच लोग हैं। मैंने एक दफा बाल जो है वो आपका हमने रखा हुआ है, वो भी जाएगा। मैंने एक दफा बाल सीधे किए, अच्छा बीच में एक ऐसा फेज आया कि मैं बबर शेर हो गया। हाँ उससे जो अगला फेज था उसमें जवाद अहमद। मैंने गाने की कोशिश की तो गाना भी ठीक नहीं गाया जवाद भाई। नहीं जवाद भाई तो अच्छा गाते हैं, जवाद भाई अच्छा गाते हैं, ठीक है। तो भाई ट्रेसेमे का
शुक्रिया कि उन्होंने हमारे गेस्ट आपका भी शुक्रिया खूबसूरत पैकेजेस भेजे. मेरा किस बात का सर शुक्रिया, मैं तो एक होस्ट हूँ. मैं एक होस्ट हूँ यार. और मेरी कोशिश आपने जेलम से आके यहाँ पर जो होस्टिंग ठीक है. खातिन साथ वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे दुनिया का पहला यो है कायनात का. इतनी ब्रेक है इतनी ब्रेक है ना क्या करें ब्रेक है? इसमें दूसरे जो चैनल कर रहे हैं वो खत्म कर रहे हैं. वो खत्म कर रहे हैं बस हमारा भी एक सेगमेंट रहेगा. उस्मान मुख्तार आपके भाई तो नहीं है? नहीं काफी मिलते हैं आप. उस्मान मुख्तार सर जो उस्मान मुख्तार हां हां दैट यू मेंशन. हां ये है. सब ख्याल रखवाती है शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात. वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात. भाई अभी हमारी जो गेम है वो आपने अच्छा सीन पता क्या है? हाँ सीन ये है कि यहाँ से पिंडी का टिकट लिया है ट्रेन में. हाँ आई नहीं रहे पिंडी. आई नहीं रहा पिंडी नहीं आ रहा सब आ गया पिंडी नहीं आ रहा. उसकी क्या वजह बनी? मतलब बहुत लेट हो गया ये कह रहे भाई. अभी जल्दी से हम एक गेम खेलेंगे. जल्दी जल्दी आ जाए. उसमें होगा कि आपका जो एक आर्ट का टैलेंट है वो एक्सप्लोर होगा. आप तीनों में से अच्छी ड्राइंग नहीं है. आप तीनों में से अच्छी ड्राइंग किसकी है? पता नहीं मेरे से अच्छी किसी की हुई तो फिर तो आप ड्रॉ करें. आप दोनों में से अच्छी ड्राइंग किसकी है? 1.8 मिलियन की मैंने एक पेंटिंग बनाई है. ठीक है 1.8 मिलियन. ठीक है आप पहले अपनी पेंटिंग बताओ. मैं आपको छुपा के एक फ्रेज बता रहा हूँ दोनों को और आप दोनों ने सिर्फ ड्रॉ करके उनको गेस कराना है. ठीक है आपका फ्रेज है नंबर टू. बट यू गो फॉर फर्स्ट. पक्की बात है देख लें. ठीक है वी हैव टू विन. ऑलराइट और आपका आप बना रही हैं? चले हां आप बना रही हैं. ओके आपका ये है नंबर थ्री. अच्छा ठीक है ओके बना दो शुरू करें. हां हां शुरू करें. और आप लोग कुछ बनाने के बाद थोड़े बहुत हिंट भी दे सकते हैं. हां बोल जाए जाए. अरे वाह शाबा मुजा शाबा. अच्छा मुस्तफा भाई वाकई में एक अच्छा उन्होंने उनके तो वाकई में आर्ट अच्छा है यार. ड्राइंग अच्छी है. ओह बैड दिस लुक्स लाइक अ क्लॉ. ओके आप बोल सकती हैं साथ साथ. अच्छा बोल भी सकती हैं. हां थोड़ा थोड़ा आप जो बना रही हैं उसी उसकी हद तक. अच्छा जी ये दो हिस्सों में मैंने सेपरेट किया है. अच्छा आपने बनाया बहुत इजी है. उनको गेस करना. आप उनको करा आपने आपने इनको ये गेस करना. किसका सर है? आदमी का. अब किस किस का आदमी देर से बना रहे हैं आप? किसको बना रहे हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? गंजा. और उसके अरे वाह वो लोग जीत रहे हैं. वो लोग जीत रहे हैं. अरे वो जीत गए. वाह जबरदस्त. गंजे को नाखून देना. आप बहुत स्लो जा रहे हैं. वो लोग जीत गए. ड्राइंग एंजॉय कर रहे हैं. ड्राइंग एंजॉय नहीं कर रहे. शो 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 अली बिल्ली नेक्स्ट. बिल्ली हमारी ब्लैक न्यूज़ है कि बस ये बिल्ली चले चले आप बनाएं. बिल्ली ऑपरेशन करके कुत्ता बनाया. अब आप बनाएंगे. ओके आप बनाओ भाई. आप मनुष्य आप ट्राई करें. अच्छा ओके क्या मैं मुर्दमा आप अगर जो है जी नंबर फाइव ये वाला. अब क्योंकि मैं बीच में बैठी हुई हूँ तो मैं आ जाती हूँ देखने. शो मी जो बना. हाँ हाँ आप बैठे. आपका नंबर एक. ठीक है हाउ डू आई मेक इट? लालू खेत नहीं नहीं है. अच्छा नहीं Think. अभी पूरा देखना. ओए होए 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 होए. दाढ़ी? सर ये तो आपको अभी से गैस कर लेना चाहिए. आधा मुंह मास्क बुरका. हाँ मास्क. कौन? निकाब. कौन है? हाँ मास्क वाला. हाँ डॉक्टर? नहीं नहीं. इंटरेस्टिंग. हाथी चूटी से पंगा ले लिया. ऑपोजिट है. हाथी डॉक्टर का ऑपोजिट. आप पेशेंट. नहीं नहीं मतलब है कि बैड साइड पे. हाँ तो बैड साइड पे. वो कह रहे पंगा ले लिया. पंगे पे मैं उन्हें नहीं दे सकता. ये क्रिमिनल चोरी पहुंच गया. हाथी का दोस्त चुंटी. चोर. अरे वाह जबरदस्त जबरदस्त. क्या बात क्या बात. चाय शोर. ठीक है अच्छा. हाँ जी आप लोग कहाँ पे पहुँचे? बनाया था वो शोर नहीं मचा पा रहा था. हाथी की दाढ़ी में क्या? हाथी और चुंटी. हाथी. चले अब आखिरी एक एक करते हैं. पहले एक आप करें यार मुझे और फिर एक आप कीजिए यार मेरी देखिए. ठीक है ताकि ओवरलैप. हाँ जी अच्छा. पहले एक आप बना लो भाई. ये है आपका नंबर फोर. ठीक है okay. आप भी गेस करें भाई. ओके ऑल राइट. कोई ड्राइंग बना रही है. हाँ हाँ. टेबल? नहीं टेबल नहीं है. टेबल केबल वाला हेड वहां पे भी दिखाएं थोड़ा सा क्या बनाया. गाड़ी यार. नताशा की ड्राइंग तो बड़ी जबरदस्त है भाई. इनके हाथ बता रहा है कि शी आर्टिस्ट है ना. आर्टिस्ट है. ये क्या है? मक्खन.
मक्खन. ओ मक्खन ब्रेकफास्ट नाश्ता. वेरी गुड. मक्खन पहुंचने वाले आप लोग. मक्खन लगाना. मक्खन लगा रहे हो क्या आप किसी को भाई? शेफ लड़की बाल बाल मक्खन बाल मक्खन में बाल गिर गया. वाह 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 हर मक्खन सो नाइस. चलें भाई आखिरी आप बनाएंगे और बाल सीधे जो आए ना. अच्छा मैंने असल में चीज छुरी बनाने की कोशिश की. मैं समझ गई मैं छुरी से मक्खन है पर टेबल मैंने बोला छुरी बनानी पड़ेगी. ना दैट वाज गुड. मेरा दिल हो रहा था मैं ब्लू बैंड लिखूं फिर बोला ओए होए 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 ब्रांडिंग. नंबर 6. ओके आर वी गेसिंग दैट टू? हां. ओके कैन यू शो अस? शो शो यार ये तो बड़ा जबरदस्त मुझे लग रहा है. बहुत जल्दी गेस करवा. कमल का फूल. कमल में फूल नहीं कहाँ पर है ये कमल का फूल तो है. ये होता है क्या होता है वो जोहर में. हाँ एक नाच रहा है. कमल करीब है आप करीब है करीब है करीब है. कमल जोहर करीब है. ये मुझे लगता है मुझको भाई आपको थोड़ा सा नीचे का जो एरिया पर आप गैस करो. मैं जब तक परिंदे बना लूं. नहीं आप नीचे वाली चीज को और वेल डिफाइन कर देना. उगता है पटल्स में. उगता है पटल को क्या बोलेंगे? पटल को क्या बोलेंगे? जोहर बोलते हैं. कीचड़. जोहर नहीं बोलते. अरे वाह जबरदस्त. कीचड़ का कवल. ऐसे कवल कीचड़ में कवल. ये तो गेम खेल के मजा. एक और एक और एक नाइस. हां अपने घर को जा रहा है परिंदा. शहरी का टाइम हो गया ना. अच्छा एक और मुर्तजा भाई आपने ये गेस. यहां तो ईद नंबर 7. ओए होए 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 नंबर 7 आप बनाओ भाईजन. नहीं नहीं गंदी चीजें नहीं बनाओ भाई. क्या कर रहे आसमान से गिरा और खजूर में अटका. अरे वाह जबरदस्त. हालांकि खजूर सही नहीं बनाई आपने. आसमान से मैंने पकड़ा. मिस कर गया. अच्छा इरा लास्ट वन नंबर 1. ये तो हमेशा होता है ना क्योंकि मैंने आज नहीं देखा नंबर 1. मिस कर दिया. वैसे देख सकते थे है ना. रेडी. ओके रेडी. अंगूर. अंगूर खट्टे हैं. खट्टे हैं. This one was too easy. उर्दू में ज़्यादा काम हुआ. This one was too easy. ये तो बहुत आसान था भाई. This was fun. अच्छा भाई अब जो हमारी गेम है ना. ठीक है. ये बड़े मजे की गेम है. और ये हम सबके साथ आप निकलवा लें आज. आज आपने ये बताना है कि जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा उन शख्सियात के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप चाहेंगे कि आप चुरा लें. ओके ठीक हो गया. किससे शुरू करूं? मुझसे कर ले. आपसे शुरू करूं. पहली तस्वीर. एक भी नहीं. नहीं नहीं बताना है. अरे नहीं बताना आप. एक तो बताना पड़ेगा. शुक्र है. अच्छा ये वाले फीचर चुराना है आपको. यार वैसे कोई तो होगा. ठीक है. घड़ी अच्छी इनकी. घड़ी नाइस यार. घड़ी अच्छा फीचर. ये फीचर आप चुराना चाहेंगे. ठीक है सर आपके लिए. हाय हाय यार इसके फीचर इसकी एक्टिंग. एक्टिंग चुराना चाहिए. नाइस. पर हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं. फीचर्स की बात हो रही है. करैक्टर भी फिजिकल हुआ. नहीं नहीं नाक 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 चुराना चाहेंगे. ठीक है लें जी खवातीन. ओह माय गॉड. हीरा. अच्छा सब तैयार हो गए जी. हाँ मैं रेडी हूँ. आप बताएं. फीचर्स. खूबसूरती. खूबसूरती नहीं एक कोई पिक करें ना. पर्टिकुलर फीचर ना. या वो पर्टिकुलर फीचर. I mean Fawad Khan. If we're talking about Fawad Khan and everything. Hira. Eyes. मुझे कर लो. मुझे कर लो. Eyes. Hello. Eyes. मुझे ले कर लो आप. Eyes. 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 सब ख़वातीन ने eyes को चुना. His nose is so nice, by the way. हाँ. मुझे. Aiza Khan. Anushe. She's also very pretty. Maybe the jawline. Maybe the jawline. Aiza ne album दिखाओ मेरे. Jawline. एक एक करके. Natasha. यासिर नवाज. मर्दों के फीचर से क्या लूंगी मैं? मैं बताऊं क्यों और क्यों लूंगी? फॉर्मूला 1 चुराना चाहेंगे आप? यार बड़े ये इनकी पर्सनालिटी अच्छी है. लेकिन अच्छा जवाब है. दाढ़ी. दाढ़ी तो हमारे पास है नहीं तो. चले जी ये आखिरी एक दो आपसे पूछता हूँ. हार पिक मेकअप. मेकअप मेकअप चुराना ऐसे मैं वो हार पिक के एड में आते नहीं हर दफा तो इनका बाथरूम देखने जाऊंगा. कई लोग तो ऐसे हैं कि एड के अंदर जैसे ही उन्होंने वॉशरूम खोला ये निकले अंदर से. आईज. हिज आईज. आईज ऑफ कोर्स. आईज आर ग्रीन. या ग्रीन है मतलब कोई मसला. अच्छा भाई आखिरी नाम जो कि बहुत हमारी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है
ये मैं चाहूंगा आप सब 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 बधाई इसको. ओह द टेंपल द चेन टेंपल दैट इज यूनिक. उसो भाई आप क्या चुना मैं वो आप समझ गए ना यार. ग्रेट आदमी है क्योंकि उनका वो कैसे कमेंट कर सकते यार. ग्रेट हमारे यार वो क्या उन्होंने क्या बोला. इसे अजीब सी गेम है. मुझे बहुत पसंद है ये. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम जज कर रहे हैं लोग तो इनकी पूरी पर्सनालिटी पूरी पर्सनालिटी पूरी टैग करा दो. तो उन्होंने चेन टेंपल लिया है. बट आई मीन दैट्स आई नो दैट्स अ यूनिक थिंग जो हर किसी के पास नहीं है. खलील उर रहमान कमर रखा हुआ आपने. नहीं वो नहीं है. 2 रुपए का वो भी डाल दे. उसका क्या लेने जाएंगे आप. उसकी तो सिगरेट भी नहीं लेना चाहूंगा. अच्छा बहरहाल थैंक यू वेरी मच. आज आप लोगों ने ज्वाइन किया. आपने अभी हमने जाना नहीं है. अलग तस्वीरें बहुत थी. नहीं अभी नहीं और तस्वीरें थी. मैं अब सच बोल दूंगा. बल्कि आप एक काम करो ना हम घर से सामान मंगा लेते हैं. गर्मी अच्छा थोड़ी सी ईद के हवाले से अगर मैं एक दो सवाल आपसे प्लीज पूछना चाहूंगा कि पेरेंटहुड के बाद उसमें भी ईद की क्या तब्दीली आपने महसूस शादी के बाद और पेरेंटहुड. मैं बताती हूँ. मैं तो एक डे केयर सेंटर चलाता था. अच्छा ये कपड़े भी उसी के पहने में देख रहे हैं ना. अरे हाँ वो आपको मैंने नोटिस किया कुछ लगा हुआ है. मैं डे केयर लगा हुआ नहीं इस, इसको इस पे लगा के. हाँ डिजाइन है. हाँ मैं चलाता था तो मतलब बस वही यही वही कहना चाह रहा था मैं आपसे. नहीं आपको बताना अगर कोई जॉब का पेरेंट रूट शादी के बाद क्या फर्क आता है. मतलब कि प्रायोरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है. पहले हम खुद तैयार होने में टाइम लगाते थे फिर अभी जो है बच्चों को पहले तैयार करना होता है. बच्चे नहीं शादी के बाद वैसे फर्क तो आता है. Of course. मेरी भी एक दोस्त उसकी शादी हो गई. अब बात नहीं कर रही. बात नहीं कर रही. शादी हो गई. Not talking. नहीं फर्क आता है obviously. एक 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 मजेदार पार्ट है especially आपके बच्चों में. पीटीवी के ड्रामो वाले अंकल हो जाते हैं आप थोड़े थोड़े बहुत. हाँ बट वो रात को किताब भी पढ़ने वाली होती है. रिफ्लेक्शन टू ये बताएं कि वो वाला कोट कोई पहने में देखा आपने किसी को रात को पीटीवी पे जो रात को सोते हुए अंकल पहन रहे हैं. अच्छा, पीटीवी के अंकल की आपने बात की मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है जो खालिद भट्ट आपने कैरेक्टर बनाया ये तलत हुसैन साहब पे. बिल्कुल तलत उन पे आपने बेस किया. Exactly. उनका क्या इसके ऊपर इजहार रहा है. बाद में मैंने उनको कहा आप मेरी नकल करते हैं. मैं खुद ही था. आपने बहुत जबरदस्त किया है. बट वो ही हेट्स अस. एक टाइम पे तो उनके साथ आपके अच्छे मजाक करो. हमारे बॉस आपके मेंटोर आपके गुरु अब्बू सब अब्बू भी होते हैं कभी कभी बन जाते हैं. भाई खवातीन के साथ एक एसोसिएशन है शॉपिंग की चली आ रही है. हालांकि मर्द भी अब बड़ा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट. आप लोग भी शॉपिंग करते ही होंगे. नहीं नहीं हम तो चुराते हैं. लेकिन खवातीन के साथ एक जुड़ा हुआ है भाई कि ईद की भी शॉपिंग होगी तो खवातीन हमारी शॉप है ना. शॉप तो भाई आप लोग जब जाते हैं शॉपिंग पे आपको देख के शॉपकीपर कभी कभी ये कहते हैं भाई कि खुद ही से डिस्काउंट दे दिया या आपको भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है अक्सर. नहीं बार्गेनिंग तो हम डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हैं. हाँ डिपेंड करता है. मॉल में गए तो वहाँ बार्गेन नहीं कर सकते. बार्गेनिंग नहीं होती. नहीं होता ना. चांद रात पे जैसे हम डिस्कस करें भाई चूड़ियाँ लेने चले गए या बुंदे लेने चले गए जूते लेने चले गए मार्केट में. केडीएम मार्केट हो गई कुछ. हाँ तो वहाँ पे कभी इस तरह की शॉपिंग की है कभी आप लोगों ने. यस. वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं आप लोग या नहीं करते. हाँ. या आपको खुद ही डिस्काउंट मिल जाता है. नहीं, नहीं नहीं करनी पड़ती है बार्गेनिंग तो. बल्कि और क्योंकि हम वैसे ही मास्क पहन के जाते हैं तो. अच्छा था मास्क के पीछे. तो मैं संडे बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा तो ये हुआ था मैं तो गया था एक जगह लेने ईद के डिजाइनर थे एक तो मैंने कहा यार ये मुझे दे दें आप. उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा तुम भाई को भेज दो अपने. आपके साथ था कोई है. नहीं मैंने भी लिए तो वो बड़े अच्छा हुए हैं. दे दिया उन्होंने डिस्काउंट दिया. पैसे क्यों नहीं दिए लेकिन पेन टाइप थे हमारे तो. हाँ. भाई अच्छा अब तो दुकानदार बड़े शातिर हो गए हैं कि अब बार्गेन करके निकलते हैं ना कि बुला लेगा. नहीं बुलाते तो हमारी अपनी चाहिए. लोग जाली वाला बनियान पहन. मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि जो बात इन्होंने की है खुदा रहा उसको जरा गौर करें सुने. ईद का दिन है प्लीज. ये बहुत वैसे इंटेलेक्चुअल है मजाक नहीं. नहीं तो जब सो रहा होता है आपको आपको क्यों लगा कि किसी हम में से. नहीं सोते हुए बहुत इंटेलेक्चुअल है जब बात ना करें ना. मैंने देखा इससे ऊपर नहीं है कोई. नताशा वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं. हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी दिन भी है उन लोगों के लिए जिनके कोई बहुत यू नो वैसे इनकी वालदा थी और अब सीट पे ये मिस कर रही होंगी. और ऐसे बहुत सारे हमारे घराने ऑब्वियसली ये तो नेचर का एक निज़ाम है. तो मुझे लगता है ये दिन बड़ा लोगों के लिए हार्ड होता है तो अब लोगों के साथ बेहतर रहें अच्छे रहें
कोशिश करें खुश करने की, बहुत सारे ऐसे अपने दोस्तों को इंक्लूडिंग हर या हमारे फैमिली में लोग जिनके लोग नहीं हैं उनके घर में जो थे, तो ये बड़ा अहम दिन है उनके लिए, तो आप उनकी सोच से कुछ करने की कोशिश करें, उन लोगों के साथ कुछ करने की कोशिश करें, उनको खुश करें। कितना मैंने आपको कहा था ना यार, ये कभी कभी सीरियस हो जाते हैं आप, मुझे लगता है कभी भी सीरियस नहीं होते, कभी कभी सीरियस होते हैं आप, बट यू कांट टेल ना ये कब ऐसे ऐसे कौन से मौके होते हैं जहां पे मैं इतनी देर से मजाक कर रहा हूं क्या, सारी सीरियस बातें की हैं भाई, बहुत सीरियस बात नहीं, कोई ऐसा मौका होता हो जहां पे आप बोलेंगे यार नहीं अभी मैंने, उसमें म्यूजिक तेज कर देता हूं मैं, ऐसे मौका आपने बोला ना कोई ऐसा आता, ये वाला मौका, आप कौन से मौके की बात कर रहे हो, कुछ नहीं माफ कर दो मेरे हाथ ने, मैं माफ कर दो नताशा। खैर इस साल की ईद का मुझे नहीं पता कि किस तरह मनानी चाहिए, क्योंकि वैसे दुनिया में जो है इस वक्त बहुत एक टेंशन्स हैं जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, तो समझ नहीं आता कि बंदा खुशी मनाए तो कैसे मनाए, तो मुझे लगता है कि बस ठीक है एक कस्टम है निकालना ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़े रखे हैं, तो एक उस मुसलमान के लिए ईद वो होती है, तो बस उनको याद करें, दुआ करें अल्लाह से, और बस जो ईद आप मना रहे हैं मेक इट वर्थ इट, स्पेंड इट विद योर फैमिली, एंड सादगी अगर रखनी है तो डेफिनेटली रखें, जस्ट रिमेंबर के थिंग्स आर अराउंड यू, जो चीज़ें हो रही हैं उसको याद रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। नाइस, बहुत थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि ईद का दिन है, हाँ, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, कोशिश करें 12 बजे तक सारी कुर्बानी कर दें, उसके बाद जब गोश्त बनाए, ये वाली ईद, ये कुर्बानी ईद नहीं है, बकरा ईद पे ले गया क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया, अब आपका अब उधर तक बकरा ईद पे निकल गए दो साल, बकरा ईद वैसे ऐसा नहीं माइंड इज ऑल गॉड, तो बकरा ईद वाला अब मेरा मेरे ख्याल में करना पड़ेगा, उससे पूछो ताकि खत्म, हां अभी वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। अनुषी, मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड मेकिंग माय ईद वेरी स्पेशल, बिकॉज कुछ सालों से मेरी ईद स्पेशल नहीं है, और पता नहीं अब कभी स्पेशल होगी भी या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली रमजान और ईद और ये सब कुछ ना पेरेंट्स से कनेक्टेड होता है, एंड व्हेन दे आर नॉट विद यू यू डोंट फील इट यू नो द वे यू यूज्ड टू, सो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, स्पेशली उनका जिनके साथ लोग नहीं हैं ईद मनाने के लिए, और ईद का मतलब ही खुशी बांटना है, तो कोशिश करें कि वो खुशी सबके साथ बांटें, ईद मुबारक। वेरी नाइस, वेरी वेल सर, आप कोई अच्छी बातें करते हो, आपने भाईजान सेम अदब, आप कभी अच्छी बातें करते हो नहीं करते, आप भी करो ना कोई, मैं पहले हीरा से कर लूं, नहीं इतनी अच्छी बातें अनुषे और यू नो सारी हो चुकी, आप कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे, मैं बस यही मतलब बिल्कुल उस पर आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछ लेता हूं, नताशा ने जो कहा कि सादगी वाली बात कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम मतलब वाकई मैं पूछना चाहूंगी कि ये जरूरी है कि ईद पे हम हर दफा नए इतने सारे कपड़े लें, मतलब ये एक जेन्युइन सवाल है, ये क्या कुछ है कल्चर, 1.8 मिलियन के कपड़े पहनने के बाद जो नो नो आई डोंट लिटरली मैं ये बता रही हूँ कि जब तक मुझे कोई देता नहीं है पहनने के लिए, सादगी तो मजाक है यार, पहले दिन के लिए हम लोग नए ले लेते हैं, बट व्हाई कांट वी रीयूज सम ऑफ द क्लोथ्स, मतलब ये एक सवाल है, बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं आप जो कहना चाह रही हैं इन्होंने अमल किया, हाँ मैं तो इसमें बगादा, मैंने पड़ोसी ने टांगे थे वो वहीं से लिए, वहीं से धोने के लिए, वहीं से लिए, वहीं से शार्ट हुआ, बल्कि मैं थोड़ा ईद से पहले भी अगर रमजान पे भी जाऊँ, मेरा ये सवाल था ड्यूरिंग रमजान कि हमारा जो एक रमजान का दस्तरखान है बड़ा स्पेसिफिक सा, उसमें पकौड़े होंगे, उसमें समोसे होंगे, अगर फ्रूट भी होगा तो फ्रूट खाली नहीं होगा, फ्रूट चाट बनी होगी चीनी मिला के, मशरूम होगा उसमें भी चीनी होगी, तो ये जो चीजें हमने इनकॉर्पोरेट की अपने कल्चर में, ये कहाँ से आई है, ये कल्चर है ना, इतना खाना इफ्तारी टाइम में होता है, सब जाया ही हो रहा होता है, स्पेशली रमजान में हम और अनहेल्दी हो जाते हैं, और अनहेल्दी होते हैं, पीपल पुट ऑन वेट, एग्जैक्टली, कुछ बस यही मैसेज है कि कुछ कुछ चीजों को हमें थोड़ा बहुत रिवायतों को क्वेश्चन करना चाहिए और अपना यू नो दिमाग यूज करना चाहिए कि जरूरी है इतनी सारी चीजें लेना ईद के ऊपर, और अगर आपके लिए जरूरी है और अगर आप खुश होते हैं इस बात से तो वेरी गुड, लेकिन यू नो गुड फॉर यू, बट मुस्लिम भाई कभी आपने सोचा ये पकोड़े वोड़े ये कहाँ से ट्रेडिशन निकला है, कोई कोई नहीं इसका वाकई में अगर आप सीरियस पूछेंगे तो इसका ट्रेस आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं मिल पा रहा, नहीं ये जो बादशाह जब कायम थी बरसगीर में तो एक डिपार्टमेंट था अलग रसोई का, अच्छा तो वहाँ पर नित नए खाने जो हैं उनकी तैयार किया करते थे, बट वाई पकोड़ा, वाई पकोड़ा फॉर, असल में पकोड़ों के जो कजन थे ना समोसे इन्होंने किया था ओ लेवल, इन्होंने ओ लेवल किया, इन्होंने किया था मैट्रिक, इन्होंने मैट्रिक किया था, अब क्योंकि पकोड़ा देखें वो वाही चीज है, इसके अंदर मिर्चियां भी निकल रही है, आलू भी निकल रहे हैं, आलू भी निकला है, प्याज भी, अंडे भी निकले हैं इसके अंदर से, हो सकता है 800 सीसी कार क्या होता था वो भी निकला, नहीं सब निकल रहा है इसमें से, आप यकीन, अगली दफा गाड़ी निकल रही है, आप लोगों में से खाना बनाने का शौक है किसी को,
था आपको है। आप ईद पे खाना वाना बनाती हैं? ईद था आपको? यार अनुशे ने एक दफा दावत की थी यार, मैं कहता हूँ बेहतरीन जो फूड पॉइजनिंग ये कर वो बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू सो मच। ये निहार व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू कुक ऑन ईद? ऑन ईद डिफिकल्ट नाउ सॉरी मेरी हर बार थोड़ी सैडनेस से शुरू होती है मगर वी हियर फॉर यू नाउ दैट मम्स नॉट हियर आई लाइक टू मेक शीर खुरमा और खीर जरूरी होता है ना ईद। ईद तो नहीं होती ना इस खुरमा के बगैर। अच्छा एक दफा वैसे मैं ईद पे अनुषा के घर गया था, 2 साल पहले की बात है, तो मैं गया बड़ा, इन्होंने इतना जबरदस्त खाने खिलाया, मैं बड़ा मिस कर रहा था। इनका एक छोटा पपी होता था, वो कहाँ था उस दिन? काट दिया, काट दिया यार आप कितना काट के खिला दिया। बात शुरू करते हैं इतने ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या सीरियस बात कर रहे हैं। कब आप नीचे जमीन में चले आते? क्या जबरदस्त वाकई में। अच्छा, ये इतना दूर रहती थी इसी, ये इतना दूर रहती थी तो मतलब चौथे दिन पहुंचे अभी। हाँ हाँ, आउट ऑफ सिटी वॉकिंग डिस्टेंस पे था इनके। अच्छा आपको कुकिंग का शौक था, अब नहीं है, इसका कोई खास वजह या बस ऐसे एक दिन यू डिसाइडेड किया? ना पूछे हसन, क्यों इतनी दुख भरी दास्तान? ज्यादा क्यों, व्हाट हैपेंड? अब कराची में अगर आप यू नो समंदर के पास रहते हैं और फिर जो किचन होते हैं पाकिस्तान के, इतने ग्रीसी और इतने क्या बताऊं मैं, मतलब वो जो शौक मैं समझ रही हूं, आप ना बताएं, you know? आप फूड पांडा से मंगा लेती हो? अच्छा नहीं मैं अभी फिर भी पकाती हूं लेकिन टाइम नहीं मिलता, शौक मुझे फिर भी है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुकिंग एंड अ रियली नाइस थिंग। इट्स अ जॉब यार, इट्स बड़ी एक मुश्किल काम है बट इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। और मैं बताऊं मुर्तजा ने एक दफा इतने जबरदस्त, उस दिन अभी हमारी तकरीबन पहले अशरे की बात बता रहा हूँ, ये भी आ रहा हूँ पहला अशरा, इसने हमें बहुत जबरदस्त समोसे इसने बनाए जो अभी आप बात कर रहे थे, इतने बेहतरीन समोसे थे। कुछ हमने कोशिश की खाने की, बाकी पेपर वेट के तौर पे रखे हुए, अगर किसी को चाहिए रंग कर लो ना अगर उसपे। आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर दी, पेपर वेट। वेल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी स्पेशल ई ट्रांसमिशन में आए, आपने इतना मजेदार बातें की, इतना शुगर लगाया था आपको देख के लगता है आप स्टील मिल में जॉब करते हैं। वैसी एक बात आई, एक बात है यार, मतलब ऐसी एक बात आई, लेकिन यार क्या बात है आपकी, आपकी बहुत मजा आया। अरे थैंक यू। आगे तब आप जेलम से यहाँ आए? नहीं नहीं यहीं रहते ना, लेकिन बहुत मजा आया ऐसी। थैंक यू। नताशा जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कुछ श्योर श्योर आप हमें सुनाए जबरदस्त सा, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमें ज्वाइन कर लें। अच्छा If this is the last time then okay. Yeah then it's okay. It is pushing it awesome. Varna agli baar hum pushing gay. Ice cream check kar lo aap. Khao khao dada. Bas. Hain? Maine to khaya. Purse gir gaya aapka. Purse gir gaya. हो तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके ताता थैया। छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, नीता मैं मर गईया। छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, नीता मैं मर गईया। हो तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, भर के जहर पियाला मैं ते आपे पीता, भर के जहर पियाला मैं ते आपे पीता, सानू घायल करके फिर खबर न लैया। छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, नीता मैं मर गईया। छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, छेती बौणी वे तबीबा, नीता मैं मर गईया। जबरदस्त, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ख्वातीनों जात, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारी इस ई ट्रांसमिशन को बहुत इंजॉय किया होगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।